हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम एक डोर मैट बनाना सीखेंगे, जिसका कि बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइनिंग हम बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक जीन है, जिसका कि पहले भी मैंने एक स्लिंग बैग बनाया था, इसी में से ही नीचे वाला पार्ट मैंने यूज़ किया था, तो अभी मैं इसी का ही यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके जो हैं स्क्वेयर पीस कट कर लूँगी। तो मैंने 4.5 बाय 4.5 इंच के ये पीस कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको देखो ऐसे हाफ करना है और एक निशान लगाएंगे, इसका सेंटर करके एक निशान लगा लेंगे। ये निशान देखो मैंने चौक से लगा लिया है। अब मैंने एक एक इंच चौड़ी पट्टियां कट कर ली हैं, तो इस पे मैं पट्टियां सारी अटैच करूँगी। ये देखो ये एक पट्टी मैंने रखी, उल्टा करके रखी और सीधी करके मैंने इसको उल्टा लिया। अब इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखूँगी, ये देखो ऐसे, और ऐसे उल्टा लेंगे और एक पिन लगा लूँगी। फिर से एक पट्टी लगाऊंगी, उल्टा करके रखूंगी पट्टी को और फिर सीधा कर लूंगी इसको, देखो ऐसे उल्टा के, और एक पट्टी फिर रखूंगी। तो एक एक इंच मैंने ये चौड़ी पट्टी ली है, आप अपने हिसाब से इसको ब्रीक या थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हो। तो हमारा ये ब्लॉक जो छोटा सा है ना, तो हमें एक इंच चौड़ी ही पट्टी हमें चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा पीस ले रहे हो तो आप चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हो। तो ये देखो 4 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। तो कई तरीके हैं इनको जोड़ने के। एक तरीका देखो, आप ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हो, देखो ऐसे बनेगा डिज़ाइन अगर आप इस तरह से स्टिच करोगे। ये देखो ऐसे रखेंगे तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल सर ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये भी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, आप ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हो। और इसको किसी कई तरीक़ों से आप जोड़ सकते हो, कैसा भी डिज़ाइन आप इसके साथ बना सकते हो। देखो ऐसे भी आप इसको स्टिच करोगे तब भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखो अब कितना सुंदर लग रहा है ना ऐसे भी। तो 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इनका डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। एक देखो ऐसे जोड़ के, अगर ऐसे स्टिच करेंगे अलग अलग, ये देखो मैं ऐसे स्टिच करूँगी और ऐसे ही सारे पीस जोड़ूँगी। ये देखो डबल करके रख के ऐसे मैं जोड़ूँगी, तो मैं इनको डबल कर लूँगी। ये देखो यहाँ से ऐसे जोड़ के और इसको स्टिच कर लूँगी। ये देखो ऐसे मैंने स्टिच कर लिया, और ये जो हमने सिलाई लगाई इसको हमने खोल लेना है अच्छे से। और दूसरा भी मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी, तो मैं ये वाला डिज़ाइन बनाऊँगी, बहुत ही प्यारा लगेगा ये हमारा। ये देखो सिलाई हमने ऐसे खोल लेनी है, ये देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना। अब ऐसे ही सारे पीस जो है मैं स्टिच कर लूँगी। मैंने आपको बताया कई तरह के डिज़ाइन आप इसके साथ बना सकते हो, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन देखो ऐसे बनाऊँगी मैं, और सारे पीस ये देखो मैंने बना लिए हैं, ऐसे ही सारे पीस को मैंने जोड़ लिया है। अब हमने ना इसमें प्रेस करनी है, तो सिलाइयाँ हमने खोल लेनी है, जैसे ये सिलाई लगाई है तो सिलाइयों को अच्छे से खोल के फिर हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। अगर हम सिलाइयाँ खोल के प्रेस कर लेंगे अच्छे से, तो इसकी डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे ही अपने प्रेस इसको करनी है, सिलाइयों को पूरा खोल लेना है कपड़े को और फिर ही इसको प्रेस करेंगे। तो अब प्रेस करके देखो मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है अच्छे से, तो कितना ब्यूटीफुल हमारा ये देखो डिज़ाइन बन गया। अब मैं दोनों साइड पे इस पर प्लेन कपड़ा लगाऊंगी। तो ये मैं ना एक मेरी पुरानी सलवार थी उसी का ही मैं ये कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये देखो ऐसे रखूँगी साइड पर, एक पीस एक साइड पे और एक पीस जो है दूसरी साइड पे लगा लूँगी। तो दोनों साइड पे मैं एक एक पीस जो है अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पूरा देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और बताना कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। और भी आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो एक साइड पर मैंने लगा लिया ये पीस, अब दूसरी साइड पर भी मैं लगा लूँगी। जितना भी आपके पास कपड़ा है उसी के हिसाब से आप लगा सकते हो। मैंने 8 इंच चौड़ा ये लिया है कपड़ा, तो दोनों साइड पे देखो मैंने लगा लिया है। अब इस साइड को भी एक एक पीस लगा लूँगी, तो चारों साइड पे मैं लगाऊँगी। बीच में हमारा जो ये ब्लॉक्स का डिज़ाइन है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा देखो ये डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया। और दोनों साइड पर मैंने कपड़ा लगा लिया चारों साइड पर, ये देखो यहाँ पर भी लगा लूँगी कपड़ा। और सारा मैं इस पर कपड़ा अटैच करके बाद में नीचे वाली साइड, इसमें कोई भी हम पुराना टॉवल हमारे पास पड़ा है या कोई भी बेड शीट पड़ी है वो आप इसके नीचे जो है अटैच कर सकते हो। तो मेरे पास ये बेड शीट है जो कि मैंने काफ़ी वीडियोस में मैंने यूज़ की है, काफ़ी मोटी बेड शीट है, ये मोटा स्टफ़ है इसका काफ़ी। तो वो ये मैंने पिन अप कर लिया है। अब चारों साइड में इसको सिलाई लगा लूँगी, तो सिलाई मैंने लगा ली है
एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको ट्रिम कर लूँगी। अब एक पट्टी लूँगी ये देखो, और उल्टी साइड से रख के और सीधी साइड को उल्टा लूँगी। तो एक मैं ब्रिक सी पाइपिंग लगा लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हो, मेरे पास अभी कपड़ा ये थोड़ा कम था तो मैंने ब्रिक पाइपिंग इस पर लगाई है। आधा इंच चौड़ी मैंने जो है पाइपिंग ये निकाली है। अगर आपके पास ज़्यादा थोड़ा चौड़ा कपड़ा है आप चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हो, चौड़ी पट्टी भी इस पर अच्छी लगेगी। लेकिन मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने ब्रिक सी पाइपिंग लगाई है, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ऐसे ही चारों साइड इसके मैं पाइपिंग लगा लूँगी और हमारा ये डोर मैट बनके तैयार हो गया। और आपको मैं ये बता दूँ कि मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप टेबल पे भी इसको सजाना चाहते हो तो टेबल पे भी रख सकते हो, एज ए टेबल मैट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही देखो सारी पट्टियां मैं चारों साइड लगा लूँगी और इसको तैयार कर लूँगी। तो ये देखो पट्टियां मैंने लगा ली हैं, ब्रिक सी पाइपिंग लगाई है मैंने, ये देखो इसके धागे वगैरह फिनिश कर लूँगी अच्छे से। और बहुत ही सुंदर हमारा ये देखो बन के तैयार हो गया। और हमने इसमें ना पुराने कपड़े ही यूज़ किए हैं, और ये जो इसकी पाइपिंग लगाई है ये मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा पड़ा था, ये मैंने लगाया इसके ऊपर। और ये जो पिंक कलर का कपड़ा मैंने लगाया है ये भी मेरा पुराना ही कपड़ा था, मेरी सलवार का कपड़ा था ये, जो कि मैंने इस पे यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप अगर आपके पास पुराने कपड़े पड़े हों तो पुराने कपड़ों से आप बहुत ही सुंदर अपने लिए, घर के लिए, अपने घर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो, जो कि डेली हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम बना सकते हैं इनसे, पुराने कपड़ों से जो कि अच्छी कंडीशन में होते हैं। अब ये मेरी जो सलवार का कपड़ा था ना काफ़ी अच्छा था, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर था, और ये जो जीन थी मेरी बेटी की थी ये, तो इसका भी मैंने यूज़ किया है। तो देखो कितना सुंदर हमारा ये डोर मैट बन के तैयार हो गया। आप इसको टेबल के ऊपर भी बिछा सकते हो, एज ए टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हो, और कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े अगर आपके पास पड़े हों तो आप डिज़ाइनिंग करके कुछ भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। अभी देखो ये उठा उठा रह रहा ना, तो यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी, एक सिलाई यहाँ पे लगाऊँगी और जहाँ से मैंने ये कपड़े को जोड़ा है वहाँ पे मैं चारों साइड पे इस पर सिलाई लगा लूँगी, ताकि नीचे वाले कपड़े से ये अच्छे से अटैच हो जाए और उठा उठा ना रहे। इस साइड को भी सिलाई लगा लूँगी और दूसरी साइड को भी, चारों साइड सिलाई लगा लूँगी जहाँ से कि मैंने ये कपड़ा जोड़ा है, जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं ना यहाँ से हमने कपड़ा जोड़ा है, इस साइड से भी मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से तो मैंने लगा ली देखो, यहाँ से अब यहाँ से भी लगा लूँगी, सारे लगा लूँगी ताकि कपड़ा